असल मैं मिर्जान चीमा आई वेलकम बैक वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज की इस वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर जी के हवाले से एक्सप्लेन करूँगा सेक्टर जी में इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है ये जो पॉइंट बनता है ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे सेक्टर एफ सेक्टर ई e, इसके अलावा एक बड़ा चार सौ फुट तो, चार सौ फुट रोड का राउंड अबाउट और इसके अलावा सेक्टर एफ सेक्टर जी और ग्रैंड जैस्कोला चौक है वहाँ से स्टार्ट होती है इस जो स्क्रीन पर फोटोज देख रहे हैं ये इनिशियल जो स्ट्रीट्स हैं स्ट्रीट नंबर सेवनटीन स्ट्रीट नंबर सिक्सटी स्ट्रीट नंबर फोटीन

इलेवन ट्वेल्व अप टू सम एक्सटेंड बाकी जितना एरिया है वो डेवलपमेंट आपके सामने है ये सेकंड वीक ऑफ जुलाई की अपडेटेड वीडियो है तो आपको इससे काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि सेंट्रल में वन एटी फिट रोड मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है जो जी ब्लॉक के सामने है चार सौ फिट रोड मुकम्मल कारपेटिंग हो चुकी है जो स्पेसिफिक पार्ट जी ब्लॉक के सामने है और उसके अलावा सामने वाली साइड पर अगर गोल्फ कोर्स की बात करें तो गोल्फ कोर्स में डेवलपमेंट का स्टेटस जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम्पलीशन की तरफ है क्योंकि इस साल के एंड तक सोसाइटी के प्लान के मुताबिक नाइन होल्स कंप्लीट किए जाने हैं बाकी लेटेस्ट स्टेज में वीडियो में जब मैं अर्थ एक्सप्लेन गूगल अर्थ पे एक्सप्लेन करूँगा मैप रख के तो मैं बाकी जो पार्ट्स हैं जो जी ब्लॉक और जो एडजस्टेंट एरियाज की प्रॉपर्टीज हैं उनके वाले से एक्सप्लेन कर दूंगा राइट नाउ अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल जी ब्लॉक जो है सबसे ज्यादा अच्छी लोकेशन का जो ब्लॉक बनता है इन टर्म्स ऑफ लोकेशन अगर देखा जाए स्पेसिफ़िकली तो सबसे अच्छी लोकेशन जी ब्लॉक की है उसकी रीज़न ये है कि आपको जो सबसे बड़े दो जंक्शन रोड्स हैं यानी 400 हंड्रेड फीट रोड और 180 एटी फ़ीट रोड वो मिलते हैं सोसाइटी की जो सबसे बड़ी मॉस्क है जो टू हंड्रेड कनाल की मॉस्क है वो इसके सामने है शायद जो इस इस्लाबाद या पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉस्क होगी जितनी सोसाइटीज़ बन रही हैं इसके अलावा गोल्फ कोर्स फेसिंग है और बैक साइड पर आपके लेक है तो लोकेशन वाइज़ जी ब्लॉक के जो प्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जी ब्लॉक किसी और ब्लॉक की लोकेशन से कम हो या किसी और ब्लॉक की लोकेशन से पीछे हो अब आते हैं दूसरी साइड पर जी ब्लॉक की लैंड की बात अब जी ब्लॉक में एक सर्टन पार्ट ऐसा है जहाँ पर शेयर डिप्रेशन थी शेयर डिप्रेशन से मुराद है वहाँ सोसाइटी को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी वहां पर सिर्फ फिलिंग करके उसकी कम्पैक्शन करनी थी इनफैक्ट आपको ताज़ा ताज़ा ताज़ जो मिट्टी नज़र आ रही है ये मिट्टी जो है वो डिफरेंट एरिया से जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्टर ई e हो गया शुरू में फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर एफ हो गया इन सेक्टर से ज़मीन सोसाइटी वो ट्रॉलीज़ में भर के यहाँ पे ला के डंपर्स में इसको मिट्टी को फेंकते हैं उसके बाद उसको कॉम्पैक्ट करते हैं यानी उसके ऊपर बार बार मशीनरी चलाई जाती है उसको सही कॉम्पैक्ट किया जाता है सही प्रेस किया जाता है ताकि इस ब्लॉक में अगर फर्नीचर में कोई इंडिविजुअल अपना घर बनाए तो उन घर पर एक्सपेंस जो है वो लीस्ट हो तो ये इस ब्ला ड्रॉइड बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब इंडिविजुअल ने घर बनाना है तो, 5 -6 तो आप घर तगड़ी रखें उसकी वजह यह है कि जब राफ्ट आपके घर के नीचे है तो डेफिनेटली घर की जो स्ट्रेंथ है उसे आप समंदर में भी खड़ा कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी तो ये जी ब्लॉक में सजेस्टेड है और जब सॉइल टेस्ट आप करवाएंगे तो आपको वैसे भी सॉइल टेस्ट में कंपल्शन निकल आएगी आपने यहाँ पर राफ्ट या जो पाइलिंग वाला काम है, वो मस्ट है। अब और इसके ऑपोजिट साइड दोबारा जो है वो ई e ब्लॉक आता है अब ई e ब्लॉक और डी ब्लॉक जो है उसके मैं पहले वीडियो पोस्ट कर चुका हूं काफी डिटेल वीडियो थी ऑलमोस्ट आधे घंटे की उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि उन दोनों ब्लॉक की वैल्यू क्या बनती है तो डी ब्लॉक की लैंड के कुछ पार्शल इशूज हैं ई ब्लॉक ऑन द काउंटर साइड जो है वो बिल्कुल रेडी है ये वीडियो बहुत शॉर्ट सी है इसमें मैं ज्यादा चीज़ें आपको गूगल गूगलर से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि मैंने जब डी और ई ब्लॉक की कंपाइल्ड वीडियो बनाई थी तो आगे वहीं से मैंने आगे जी ब्लॉक रिकॉर्ड कर ली थी जी ब्लॉक की स्पेसिफिकली मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी मैं आगे जब इंशाल्लाह जाऊँगा दोबारा भी ऑन uh, द नेक्स्ट संडे तो मैं इसको जाकर दोबारा जो सेक्टर है अब जो सीरीज हमने स्टार्ट की है हम ओवर से सेंट्रल सेक्टर ए से स्टार्ट हुए हैं फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई फिर आगे एफ जी और इस तरह मैं सीरीज में पूरे सेंट्रल की जितनी वीडियोज़ हैं पहले वो पोस्ट करूँगा उसके बाद में डिटेल से बाकी वीडियो पोस्ट कर दूंगा तो कम स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान देखते हैं मास्टर प्लान जो आज की वीडियो है स्पेसिफिकली वो इस सेक्टर के हवाले से है सेक्टर जी के हवाले से तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी पहले तो मैं इस सेक्टर का जो इस मास्टर प्लान पर मेयर करनी है चीज़ वो सर डिस्टेंस है इसकी चूँकि रेजोलूशन इतनी हाई नहीं है तो मैं सिर्फ जो सेंट्रल का मैप है मैं वो इस्तेमाल करूँगा इसको मैप को सिर्फ हम डिस्टेंस मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे अगर सेक्टर जी की लोकेशन की बात की जाए तो सेक्टर जी का जो एंट्री पॉइंट है वो अगर मैं किलोमीटर्स में कर दूं तो अराउंड टू पॉइंट एट एट किलोमीटर्स बनता है जो कि मेरा ख्याल है बड़ा रीज़नेबल डिस्टेंस है इंटरचेंज से क्योंकि आपको सेक्टर सेक्टर से निकलने के फ़ौर बाद चार सौ फिट रोड पर आएंगे और चार सौ फिट रोड से आप डायरेक्टली एग्जिट ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट बनता है इस लिहाज से आपकी लोकेशन काफ़ी ज़्यादा जिसे मैंने बात की थी कि अगर जी ब्लॉक के सबसे पॉजिटिव बात की जाए तो वो पॉजिटिव बात बनती है जी ब्लॉक की लोकेशन जो कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है इस ब्लॉक की अब जी स्पेसिफिकली हम चलते हैं और मैं सेंट्रल का मैप ऑन कर लेता हूँ ताकि सेंट्रल के मैप में मैं हाई रेजोल्यूशन के साथ आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँ अच्छा जी इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अब बात करते हैं चार साइड्स की पहले जी ब्लॉक के अब जी ब्लॉक के चार साइड्स की अगर बात करें तो इसकी नॉर्थ साइड पे जो आता है एरिया वो है एक सर सिफेड रोड और अपोजिट साइड पे दो सौ बावन कनाल की मस्जिद है टू फिफ्टी टू कनाल की मस्जिद बहुत बड़ा एरिया होता है पाकिस्तान में आपने दो सौ बावन कनाल का ना को प्लाजा देखा होगा ना को घर देखा होगा ना कोई और चीज़ देखी होगी ये बहुत बड़ी खुदा का घर है तो डेफिनेटली सोसाइटी ने इसको प्रायोरिटी पे सबसे जो प्रॉक्सीमेट सबसे महंगी ज़मीन थी अगर ये दो सौ बावन कनाल सोसाइटी कमर्शियल करके ज़मीन बेचती तो शायद पर कनाल यहाँ पे सोसाइटी जो है उसका रेट जो है वो पाँच पाँच करोड़ या दस दस करोड़ भी डिमांड करती लोग देते क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो चार सौ फुट और एक सौ अस्सी फुट रोड और इंटरचेंज के आप देख लें बिल्कुल सामने है तो ये दो सौ बावन क्लास सोसाइटी कम अज़ कम पच्चीस तीस तरफ का प्लॉट था जो सोसाइटी ने मस्जिद के लिए रिजर्व किया है जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है इन टर्म्स ऑफ मेबर्स जो आकर फ्यूचर में यहाँ पर रहेंगे जी ब्लॉक का इसको कोई फायदा नहीं होगा बस इतना होगा कि आप मस्जिद में ग्राम जाम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ लेंगे तो उसका एक फ़ायदा होगा लेकिन वैसे सोसाइटी का जो सबसे बड़ा एक फ्लैक्स होगा सोसाइटी का सबसे बड़ा जो एक कह लेंगे टॉकिंग पॉइंट होगा इन फ्यूचर वो गोल्फ कोर्स की ये वाली मस्जिद होगी जो कि बहुत ही शानदार डिज़ाइन पे दो सौ बावन किनाल के एरिए में बनाई जाएगी अब इस साइड बात करें ईस्ट साइड पर तो ईस्ट साइड पर इसके लेक व्यू कमर्शियल आता है और लेक व्यू कमर्शियल से पहले जो ये हाई राइज अपार्टमेंट के प्लाट के प्लाट्स होंगे ये फेसिंग ए वाली साइड पर होंगे यानी कि वाटर बॉडी वाली साइड होंगे तो इस साइड पर जो अगर बात करें तो ईस्ट साइड पर यह भी काफी पॉजिटिव बात है क्योंकि यहाँ पे लेक व्यू कमर्शियल के नाम से ऑलरेडी सोसाइटी ने प्रोजेक्ट को ट्वेंटी परसेंट पे कभी ऐसा सुना होगा पास्ट में हिस्ट्री में मैंने पाकिस्तान में कभी नहीं सुना कि कोई सोसाइटी आपको आठ मरला और चार मरला के बाद कब्जा प्लॉट ट्वेंटी परसेंट पेमेंट पे हैंडओवर कर दे वेल दिस इज ट्रू कैपिटल स्मार्ट ने यहाँ पे ये किया है सवा तीन करोड़ का प्लॉट था मरला का फेसिंग गोल्फ कोर्स प्लॉट को और उसके अलावा ये बैक साइड पे जो प्लॉट है चार चार मरला के प्लॉट है यहां पे ये प्लॉट सोसाइटी ने एक करोड़ पचानवे लाख की कीमत पे एक करोड़ पचानवे लाख की कीमत अगर आप लगाते हैं तकरीबन आपको उनतालीस लाख रुपये बनता है चार मरला की कीमत और अगर आप आठ मरला कीमत लगाते हैं पैंसठ लाख में आप बाकब्जा प्लाट ले सकते हैं ओवरसीज सेंट्रल में और जो फेसिंग गोल्फ कोर्स होगा और एक फुट रोड के ऊपर होगा मेरा निकाल इससे बेहतर को लोकेशन बन सकती है इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल प्लाजा कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें इसके जी वेस्ट साइड पर तो वेस्ट साइड पर जो सोसाइटी का की पॉइंट था सबसे ज्यादा मेन हाईलाइटेड पॉइंट

एटीन लेन मेन बल्लेवर्ड बनती है टू लेन के बीच में मेट्रो लेन है बाकी इसकी मेन बोलेवर्ड है ऑन दी अदर साइड आपके एट मरला जो प्लाट्स हैं मेन चार सौ फुट रोड फेसिंग यहाँ वो भी प्लॉट आते हैं और विवेक पे चार मरला के प्ट आते हैं चार मरला का साइज़ थर्टी बाई थर्ट और आठ मरला का साइज़ जो है वो फोर्टी बाई फोर्टी फाइव मरलों में बात करें तो यहाँ पे दो आठ यहाँ पे चार गज़ों में बात करें तो यहाँ पे दो सौ और यहाँ पे एक सौ गज़ के प्लॉट हैं अब आते हैं जी इसकी साउथ साइड पर तो साउथ साइड पर इसके जो आता है वो मेन रोड ही एक सौ साठ फुट का ये एक्जेक्टिव ब्लॉक से रोड आगे कंटिन्यू करेगा ये मैं एक्जैक्टिव ब्लॉक का अगर मैं पॉसिबल है तो यहाँ पे मैप भी ऑन कर देता हूँ एग्जैक्टि ब्लॉक जो है उसका अभी फॉर द टाइम बिंग सोसाइटी की तरफ से ये यगजेटिव ब्लॉक है ये एक्जैक्टिव ब्लॉक से जो जिन्हें एवन्यू आएगी शुरू में हंड्रेड फीट है और आगे जाके जब यहाँ पे कनेक्टिविटी आती है तो 160 सौ फुट वाइड ये रोड हो जाती है ये एक सौ साठ फीट वाइड है ये 400 सौ फुट रोड पे कनेक्ट होती है तो इस एग्जेक्टिव ब्लॉक की जो रोड है उसको सोसाइटी की तरफ से ये इस रोड को ये बेसिकली सिलिकॉन वैली और उसके दरमान में फाइनेंशियल स्क्वेयर उसके दरमियान में डिवाइडर रोड है यानी इस जगह पे फाइनेंशियल स्क्वेयेर बनेगा तो इस जगह पे आपका बी ए जी ब्लॉक का डिवाइड है याद रहे कि रोड के, के राइट साइड पर चार सौ फुट रोड के सिर्फ जी ब्लॉक है रोड के लेफ्ट साइड पर जो बाकी और से, से सेंट्रल के डिस्ट्रिक्स आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हैं और ये पूरा ब्लॉक जो गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सामने है, तो गोल्फ कोर्स का जो इसका एडवांटेज मिलेगा लॉन्ग रन में वो भी बहुत पॉजिटिव होगा इन टर्म्स ऑफ गोल्फ कोर्स के सामने जो भी प्रॉपर्टी होती है वो रेजिडेंशियल हो कमर्शियल हो कोई प्रॉपर्टी हो फ्यूचर में जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स गेन करती है ये आपको उसमें जो गोल्फ कोर्स के होल्स हैं वाटर बॉडीज होल्स ये आप देख लें ये देख लें प्लस ये देख लें मतलब मल्टीपल होल्स हैं बाय द एंड ऑफ 2023 ट्वेंटी थ्री यूल हैव नाइन होल्स कम्प्लीटेड एंड रेस्ट ऑफ द नाइन होल्स विल बी कम्प्लीटेड इन 2024 ट्वेंटी फोर सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई अ प्लॉट कि जो आपकी प्रॉपर्टी से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो यानी कि गोल्फ कोर्स अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो यू कैन एक्सपेक्ट वेरी गुड रिजल्ट इन फ्यूचर अभी इसी ब्लॉक में जो कि यहाँ पर कोई लीनियर पार्क की फैसिलिटी नहीं है जैसे यहाँ पे आती है लीनियर पार्क की सेक्टर्स बाकी सेक्टर के दरमियान में ए uh, सेक्टर के दरम्यान में बी और सी e सेक्टर के दरम्या में डी और ई सेक्टर के दरम्या में एफ एंड डॉक्टर एंड ली के दरम्या में कोई लीनियर पार्क यहाँ तो लीनियर पार्क हैं या नहीं है तो सोसाइटी रिज़र्व द प्लॉट्स फॉर सिक्स पॉइंट थ्री थ्री कनाल फॉर मॉस्क मिनी मार्केट सिक्स पॉइंट टू जीरो कनाल हायर कॉलेज फॉर फाइव पॉइंट फाइव फाइव पॉइंट टू फाइव कनाल एंड जूनियर स्कूल सिक्स पॉइंट फोर फोर कनाल दीज कनाल दीज प्लॉट्स आर रिज़र्व फॉर सोसाइटी एंड ये सोसाइटी इन पर कंस्ट्रक्शन करके इनको मेंबर्स को प्रोडक्ट हैंड ओवर करेगी ना के सोसाइटी यहाँ पे कहेगी कि मैंबर ख़ुद बना लें ज़ाहिर सी पता है जूनियर स्कूल बनाना दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मेंबर्स ये सोसाइटी की तरफ से ऑब्लिगेशन है कि आपने ज़ाहिर सी पता है यहाँ प्रोवाइड प्लाट्स प्रोवाइड किए हैं प्लाट्स बेचे हैं उन प्लाट्स के बदले आप उन मेबर्स को सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगी नक्सट इसके इसमें ब्लॉक में पार्कस देख लेते हैं तो एक ये पार्क आता है लीनियर पार्क टाइप नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर फाइव ऑलमोस्ट सिक्स पार्कस हैं इस ब्लॉक में मैं गलियाँ अगर काउंट करूँ तो आई थिंक पच्चीस गलियाँ बनती हैं हालांकि ये पाँच प्लाटों की गली भी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव स्ट्रीट्स हैं कुछ बहुत छोटी स्ट्रीट्स हैं कुछ बड़ी स्ट्रीट्स हैं इन स्ट्रीट्स में जो है सोसाइटी की तरफ तो से प्लाट्स ज़्यादा होंगे अब ये एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है वो ये है कि ये सेंट्रल के मैप में ये जो मंदवाल रोड है ये ब्लॉक के अंदर से गुज़र के जाएगा ठीक है अब ब्लॉक के अंदर से गुज़र के जाएगा जो इस तरफ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इनमें कोई आपको डिप्रेशन का आंसर नहीं मिलता ठीक है यहाँ पे ऐसे डिप्रेशन का पार्ट नहीं डिप्रेशन का देखा जाए तो इसकी भी एलिवेशन अच्छी है स्पेसिफिकली यहाँ तो लेवल लाइन अच्छी एलिवेशन है कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है डिप्रेशन नहीं है बट ये वाली लैंड जो है ना क्योंकि ये वाला पार्ट बीच में हाइटेड आता है इसकी जब कटिंग होगी तो ये वाला पार्ट मजीद लेवल हो जाएगा तो ये अच्छी बात है अब मैं आपको ओवरऑल सोसाइटी का व्यू दिखा देता हूँ बेसिकली जो सोसाइटी है वो दो पहाड़ों के दरमियान सोसाइटी है दो पहाड़ों के दरमियान के दो माउंटेन रेंजेज़ एक ये माउंटेन रेंज है अब इस माउंटेन रेंज से आगे सब जाते जाएँ ये सारी एरिया जो लैंड आपको नज़र आ रही है ये स्मार्ट सिटी की लैंड है अच्छा इससे आगे जाएँ तो ये वाला पहाड़ अब ये जो लैंड आपको सारी नज़र आ रही है स्मार्ट सिटी की जमीन है तो सेंटर में मैं मास्टर प्लान भी हाईलाइट कर देता हूँ सो इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट बिटवीन टू माउंटेन रेंजेज तो आपको वैली टाइप जो पूरी सोसाइटी में व्यू मिलता है वो वैली टाइप व्यू है यहाँ पे आपको मतलब वादी जिस तरह होती है ना कि आपके दो साइड पहाड़ होते हैं सेंटर में जमीन होती है तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी एलिवेशन होती है मैं अक्सर जब ओवरसीज ईस्ट की वीडियो बनाता हूँ तो वो चूंकि पूरा एरिया जो लैंड है वो लेवल्ड है तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली नज़र आ जाता है पीछे जो पहाड़ होते हैं तो इसलिए इस लिहाज से काफी ज्यादा पॉजिटिव इसका एडवांटेज बनता है अब मेन जी ब्लॉक से मेजर डिस्टेंस तो मैंने काउंट कर दी है आपका इंटरचेंज टू पॉइंट एट एट किलोमीटर्स और गोल्फ कोर्स भी मैं मेजर कर देता हूँ गोल्फ कॉर्से मैयर करने की ज़रूरत तो नहीं है टुडे आई रिसिव अ कॉल फ्राम अ सर्विंग ऑफिसर इनफैक्ट रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम आर्मी उन्होंने मुझे बताया वेलफेयर well, इनफैक्ट मेरे नॉलेज में इजाफा किया ही वॉज वर्किंग इन मुल्तान आई गेस इन सम समजा गोल्फ कोर्स इन मुल्तान इस साइड का जो गोल्फ कोर्स का एंट्री पॉइंट होता है वो पूरी सोसाइटी का एक एंट्री पॉइंट होता है तो मेरे हाल में जो गोल्फ कोर्स का एंट्री पॉइंट है वो इस जगह पर कहीं जाके बनेगा ये पॉइंट एंट्री पॉइंट ये मस्जिद के साथ ही तो इसका तकरीबन जीरो पॉइंट सेवन टू किलोमीटर तो सोसाइटी तो में जो भी गोल्फ़ कोर्स है अब गोल्फ कोर्स जो होता है वो पूरा फेंसिंग में होता है यानी कि इसके नेबरहुड में जितनी है ना वो वो फेंसिंग हुई होगी गोल्फ uh, फोर्स के पूरे नेबर रोड की ना फेंसिंग हुई होती है यानी कि वहाँ पे जाली लगी होती है तो एंट्री पॉइंट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा इनफैक्ट मैंने जो वीडियो पोस्ट की थी ना शुरू में सीरीज़ के इंटरचेंज की वीडियो तो उसके साथ मैंने ये गोल्फ फोर्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था ये एंट्री पॉइंट है तो uh, ये जो पॉइंट बनता है आपका अब इस पॉइंट पर अगर देखा जाए कि एंट्री पॉइंट से तो सात मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं अगर वॉकिंग पे जाऊँ तो जैसे पता इसे भी कम हो जाएगा बट अगर ड्राइव करके जाएँ तो वॉकिंग मतलब सात सौ मीटर इज नथिंग लैसन किलोमीटर इज नथिंग यहाँ से आप जब रोड क्रॉस करेंगे मस्जिद तक जाएंगे तो मस्जिद के बिल्कुल साइड थी पीछे बैक साइड पे ये एंट्री पॉइंट है फिर यहाँ पे मार्की कोलब और बाकी फैसिलिटेशन सेंटर्स सारे यहाँ पे बने होंगे एंड दिस विल बी द फ्लैगशिप गोल्फ कोर्स ऑफ कैपिटल स्मार्ट इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान का गोल्फ कोर्स फ्लैगशिप होगा क्योंकि हेराडाइन को पहले पाकिस्तान में किसी कंपनी ने साइन नहीं किया कियाडाइन दुनिया के टॉप गोल्फ कंपनी है जैसे सुरबाना जो होंगे दुनिया की टॉप डिज़ाइनर कंपनी है हेराडाइन दुनिया की टॉप कंपनी है तो वो उसकी जो जितनी गोल्फ कोर्स के सामने अब गोल्फ कोर्स में जो बिलाज़ आएंगे एवरी वन नोज दैट कि गोल्फ कोर्स के विलाज होंगे करोड़ों में होंगे यानी कि दस मरला का विला भी शायद चार पाँच करोड़ का होगा चार मरल का विला तो बीस पच्चीस करोड़ तक जाएगा ही ना जाएगा अब इस तरह की प्रॉपर्टी के अपोजिट जाहिर सी बात है दस मरला प्लाट अगर आपने छत्तीस लाख का लिया हुआ है या जितने का भी लिया हुआ है छत्तीस लाख आई थिंक प्रीवियस कॉस्ट ऑफ लैंड थी तो इसके अगर कंपैरिजन में देखें यहाँ पे लठ से दस मतलब घर छः करोड़ का आता है तो आई गेस सो के मैं कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ कि कितने गुना का फ़र्क पड़ता है यहाँ घर बनाते हैं एटलीस्ट तीन से चार गुना का फर्क तो आपको घर की प्राइस में यही मिल जाएगा क्योंकि आपको प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली बात है क्योंकि सोसाइटी के यहाँ पे जो प्लॉट हैं वो डेफिनेटली वो प्लाट्स हैं जो ऑलरेडी इस जगह के एडवांटेज लोकेशन का सबसे ज़्यादा मिलता है आई होप इसमें तमाम चीज़ें एक्सप्लेन होगी होंगी मैंने चार साइड्स भी एक्सप्लेन कर दी है अब फाइनली मैं थोड़ा सा गूगल अर्थ लोकेशन भी एक्सप्लेन कर दूँ गूगल अर्थ पे सिर्फ मैप का कि कौन से प्लॉट डिवेलप्ड हैं कौन से प्लाट नॉन डिवेलप्ड हैं ये जी ब्लॉक की प्रेमिस हैं अब जी ब्लॉक की प्रेमिसज में स्टार्ट से बात करते हैं अगर हम जाते हैं स्ट्रीट वन स्ट्रीट टू स्ट्रीट थ्री स्ट्रीट फोर ये जो ब्लॉक स्ट्रीट्स हैं इनकी ज़मीन डेडिकेटेड है इनकी जमीन मौजूद नहीं है जो आपको क्लियरली जंगा बल्कि स्ट्रीट फाइव सिक्स पे चले जाएँ ये जो शुरू की छह स्ट्रीट्स हैं इनकी सोसाइटी के पास ज़मीन मौजूद नहीं है जो फिजिकली आप ग्राउंड पे देख भी सकते हैं मे बी फ्यूचर में, में प्रिक्योर हो जाए लेकिन राइट नाउ ये आई थिंक एक्जेक्टिव ब्लॉक के साथ ही ये लैंड प्रक्योर होगी ये लैंड अभी तक नहीं है अब आते हैं नेक्स्ट जी आ, स्ट्रीट नंबर सेवन एट नाइन टेन इलेवन स्ट्रीट नंबर नाइन एट टेन एलेवन जो है मोस्टली जो पार्ट है पार्शल पार्ट स्ट्रीट एलेवन का आ, ये पाँच प्लॉट ये पाँच प्लॉट ये, ये और तीन प्लाट ये और तीन प्लाट ये दो प्लॉट ये और एक प्लॉट ये ये जो पार्ट है ये लिटिगेशन में आता है बाकी स्ट्रीट नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तकरीबन तकरीबन इलेवन तक ना पार्ट क्लियर ही होता है अब आगे स्ट्रीट ट्वेल्व का जो पार्शल पार्ट है स्ट्रीट ट्वेल्व के पार्शल पार्ट्स से मुलाता है प्लाट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ये जो इलेवन प्लॉट्स हैं या टेन प्लाट्स हैं इन प्लाट्स की जो लैंड है वो लिटिगेशन में है दिस एंड बाकी आगे जो प्लॉट है सारी लैंड क्लियर है ऑन द मेजर साइड अगर देखें आप स्ट्रीट नंबर आगे देख लेते हैं जी थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इनकी लैंड जब हंड्रेड परसेंट क्लियर है उनमें कोई दो राय नहीं है कोई डाउट नहीं है इनफैक्ट जिसके पीछे ये हाई राइज अपार्टमेंट के प्लॉट्स हैं आ, जो फेसिंग वाटर बॉडी हैं लेकिन कमर्शियल्स इनकी लैंड भी मुकम्मल प्रिक्योर्ड है थोड़े थोड़े पार्ट में रहती है जो लिटिगेशन का मेन मसला आता है वो इस वाली साइड पर आता है और बाकी मेरे हाल में नहीं है कहीं भी ठीक है बाकी चलते हैं हम ये वाले जो प्लाट्स हैं इनकी लिटिगेशन है फिर ये ग्रीन पार्ट की लिटिगेशन है ये पार्क लिटिगेटेड है फिर जो सोसाइटी के स्ट्रीट नंबर नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू इस पर जो प्लाट्स हैं ये क्लेर्ड है नीचे वाली साइड पर आते हैं अच्छा जो क्लेर्ड है वो इस तरह की होगा ज़मीन जो ब्राउन हुई होगी क्योंकि ये मशीनरी सोसाइटी की तरफ से ये देखें आप, आपको फील हो रहा होगा ये मशीनरी सोसाइटी की लगी हुई है एंड ये वाली जगह पे मशीन अभी तक मूव ही नहीं हुई तो डेफिनेटली ये पार्ट लेडिकेट ही है अच्छा जी आगे स्ट्रीट सॉरी अगर जाते हैं स्ट्रीट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स मेरे ख्याल में सारों में ही लैंड क्लेर्ड है एज सच कोई लैंड की मौजूद नहीं है यानी कि जो डोग छच रोड है डोक छच रोड से जो लेफ्ट साइड की प्रीमिसज हैं जो मोटर ये आप ये चार सौ फुट रोड बीच में अक्सर लोग पूछते हैं कि ये चार सौ फुट रोड के ऊपर से ब्रिज बनेगा या अंडरपास बनेगा अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी बनेगी वो तो दैट इज़ अ डिस्कशन ऑफ द लेटर स्टेज बट राइट नाउ इससे आगे वाली साइड पर जितना जी ब्लॉक आता है दैट इज़ टोटली प्रिक्योर्ड पीछे वाली साइड परिक्योर्ड है ओनली इनिशियल थ्री स्ट्रीट्स अगर मैं थ्री स्ट्रीट प्लॉट भी काउंट करूँ ज़्यादा नहीं है प्लॉट नंबर वन टू प्लॉट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन प्लॉट नंबर से वन टू सिक्स स्ट्रीट वन पे प्लॉट नंबर वन टू सेवन प्लॉट स्ट्रीट टू पे ये बन के तेरह प्लॉट फिर जी चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस तेईस अट्ठाईस उनतीस छत्तीस से लाइक अराउंड फोर्टी या फोर्टी वन फोर्टी से फोर्टी 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 प्लस माइनस प्लॉट हैं जो लिडिकेटेड हैं और प्लस नाइन फोटी नाइन फिफ्टी एंड फाइव फिफ्टी वन प्लॉट्स बनते हैं टर्म्स ऑफ लैंड फिफ्टी वन ये लें प्लाट्स और तकरीबन उनको बारह प्लॉट यहाँ पे टोटल जी ब्लॉक के अंदर सिक्सटी टू प्लाट ऐसे हैं जिनकी लैंड नहीं है जो मैंने आपको प्रॉपरली मैं भी एक्सप्लेन कर दिया है लेटेस्ट स्टेज पे वन दिस लैंड विल बी पिक्योर्ड अल डेफिनेटली मेक अपडेटेड वीडियो ऑफ दिस सेक्टर दैट हाउ दिस सेक्टर इज गेटिंग डेवलप्ड एंड प्राइस आर गेटिंग बेटर एंड बेटर विद ईच पासिंग डे वेल वॉज दिस वजट फॉर डे डे अब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग वाले से कुछ मालूम चाहिए हो देखकर मैं प्राप्त करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू 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 डॉट मकान सोलूशन डॉट कॉम अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ रूल लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़